स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से एक जंगली बाबा का ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो लड़का लड़की सेहत बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हस्त मैथुन करके उंगली करके अपनी बॉडी को बिगाड़ लिया है, जिनके गाल पिचक गए हैं, जिन लड़कियों के ब्रेस्ट कमज़ोर हैं, हिप्स एंड बूप्स बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़कों की बॉडी नहीं बन पा रही है। कई सारे मैसेज आते हैं कि गुरुदेव ऐसे लोगों के लिए भी बनाइए। हालांकि कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सोचा कि एक फार्मूला और डाल देते हैं। कुछ लोगों ने मास्टरबेशन कर करके इतना शरीर की धातुओं को नष्ट कर लिया है कि अब वजन बढ़ता ही नहीं है। कुछ भी खाएं, कहीं वो प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। अब ऐसी चीज़ें खाने से होता क्या है, उन्हें पतले मोशन होने लगते हैं, दस्त होने लगते हैं, पतली लाइटरी आने लगती है, लीवर कमज़ोर हो जाता है। ये जो मैं जड़ी बताने जा रहा हूँ, इसका नाम टंकड़ भस्म है आयुर्वेद में। इसमें बोरेक्स पावर इंग्लिश में कहते हैं लैटिन में, और साथ में हिंदी में कहते हैं सुहागा। तो गुरुदेव ने जो जंगली बाबा ने बताया कि सोंट सुहागा सोचर नोन, सहजन के रस बांधे गुल, नींद भर सोए बहुत मोटाए। नींद भर सोए बहुत मोटाए, वेट गेन होगा इससे, और साथ में यौनांग मजबूत बनेंगे। यौनांग की जो मांसपेशियां हैं आदमी औरतों की, जो ढीली हो गई, लूज हो गई हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। साथ में पीरियड्स जिनको ठीक से नहीं आता है, माताओं बहनों को, वो उसमें भी लाभ होगा। जिनके पेट में वायु गोला का दर्द होता है, गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता है, खा लें तो अफारा या उल्टी जैसी इच्छा होती, पेट में भारी पर बना रहता है, दो रोटी भी खा लें तो लगता है पेट भरा भरा सा है, ऐसे लोगों को यह वरदान है। केवल तीन जड़े नोट करिए, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम सुहागा, 100 ग्राम सेंधा नमक, जिसको सोचर नोन भी कहते हैं, जो फलार में चलता है, फलारी नमक भी कहते हैं। अब करना क्या है कि सौंठ को और सेंधा नमक के लिए अलग कर लो। जो सुहागा है उसको तोड़ लीजिए और कढ़ाई में उसको फ्राई करिए। पानी छोड़ेगा धीरे धीरे, वो रूपांतरित हो जाएगा दूसरे ही रूप में। उसका जो अशुद्धि है टंकड़ भस्म सुहागा की, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि एक पत्थर है अपने कश्मीर में बहुत पाया जाता है। इससे हड्डियां भी बड़ी स्ट्रांग बनेंगे। जिन लोगों को पथरी की शिकायत है पेशाब की नली में, मूत्र पिंड में, मूत्र प्रणाली में, इस ये पथरी को भी, छोटी मोटी पथरी को भी खत्म कर देगा। अगर नहीं होगी तो बनने नहीं देगा। फिर इस सुहागा के लिए, इसको खिल सुहागा भी कहते हैं, फूल सुहागा भी कहते हैं, डायरेक्ट कच्चा सुहागा मत मिलाना। जब यह खिल खिल हो जाए एकदम, पहले पानी छोड़ेगा, फिर जम जाएगा। जम जाने के बाद में थोड़ा सा चाकू से, चम्मच से चलाना, और फिर इन तीनों को आपस में कूट लेना, कपड़े से छान कर रख लेना। और जो सहजना का पेड़ होता है, जिसको सहजन कहते हैं, आप गूगल पे लिख के डालना, सहजना की पत्तियाँ, सहजना का पेड़, तो आ जाएगा, उस पर फोटो आ जाएगा, सब आ जाएगा, उसके गुण और दोष भी आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो जो सहजने की पत्तियाँ हैं, जैसे ये पत्ती है हमारे पेड़ की, ये पत्ती है, इसी तरह से वो पत्तियाँ होंगी पतली पतली, और उसको चटनी जैसा बनाना है, पानी डाल के उसका रस निकाल लेना है। अब ये जो 100-100 ग्राम तीनों चीज़ें हैं, 100 ग्राम सुहागा पाउडर, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम सेंधा नमक,
इनमें आपको उसका रस डालना है, पत्तियों का रस, कपड़े से छाल लेना, पहले चटनी जैसा पत्तियों का रस बनाना। छाल भी उसकी ले सकते हैं, अंदर की नहीं बाहर की छाल और पत्तियाँ, इनका बढ़िया से कुचल के रस निकालिए और उसमें इस पाउडर को मिक्स कर लीजिए, ज़्यादा पतला ना हो जाए। फिर बेरी के बेर के बराबर अर्थात मटर मटर के बराबर आपको इसकी गोली बनाना है, गुल बनाना है, बटी बनाना है, ठीक है। और उसके लिए आप धूप में आधा छांव में उसको सुखाएंगे और इन गोलियों को भोजन करने के बाद 2 से 4 गोलियां जैसी शरीर की ज़रूरत हो, कम से कम 2, 12 साल से नीचे बच्चों को 1, ये 2 गोलियां आप अगर रोज़ाना लेते हैं दोनों टाइम भोजन के बाद, सुबह नाश्ता के बाद में, दोपहर में, भोजन के बाद रात में मत लेना, क्योंकि रात में लोगे तो इतना खाओगे कि नींद के मारे फिर सुबह उठ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। आधा गिलास गुनगुने पानी से आप भोजन करने के बाद आप ले लीजिए। आपको इतना सस्ता सरल फार्मूला बताया है, आप 40 से 45 दिन करके तो देखें। जिनका लीवर कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर है, जिनके जननांग की मांसपेशियां कमज़ोर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिनका यूट्रस कमज़ोर है, ढीला है, आगे को जिन महिलाओं के बच्चे होने के बाद में नाभि के नीचे पेड़ों बाहर लटक जाता है, उन चीज़ों को भी ये कसेगा, बॉडी तुम्हारी कसेगी। आप दोनों टाइम लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सही तरीके से आप संपर्क करेंगे तो निश्चित ही आपको जवाब मिलेगा। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, आपको अपनी परेशानी बतानी होगी, फिर आप मैसेज अपनी आगे बढ़ाएं। लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि डायरेक्ट कॉल करने वालों को मैं 99% ब्लॉक मार देता हूँ, क्योंकि ये अनुचित है, असभ्यता है। फिर दूसरा व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम ब्लॉक मार देंगे, क्योंकि ये असभ्यता है। तो सोंट सुहागा सोचर नोन, सहजन के रस बांधे गुण, नींद भर सोए बहुत मोटाए, नींद भर सोगे बहुत वजन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि पेट फूल जाएगा, जिनको गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, कहीं भी पेट का दर्द होता है, किसी को भी आप ये 2 गोली उठा करके दे दीजिए। थैंक यू सो मच। व्यायाम भी थोड़ा करना ज़रूरी है, और जिनको गैस बनती है, बैठ के काम करते हैं, घूमने फिरने का ज़्यादा नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को ये गोली वरदान है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। मेरे बहन और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि आप 70% बीमारियों का इलाज कम से कम खुद अपने घर पर कर लें, आयुर्वेद और योग और व्यायाम के द्वारा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि कुत्ता कुतिया बंदर बंदरिया जानवर भी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, ये बात अलग है कि मानव के घर में रहने लगे, मानव के संपर्क में आने पर उनकी भी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, उनकी अकल भी कमज़ोर हो जाती है, और वो लोग डॉक्टरों के पास लेके चल देते हैं। जंगल में घूमने फिरने वाले स्वतंत्र जानवरों को, पशु पक्षियों के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं, इतनी सूझबूझ उनके पास होती है। जब उनको डायरिया होती है, उल्टी होती है, तो वो खाना बंद कर देते हैं। जिस कुत्ते को भूख नहीं लगेगी, आप ज़बरदस्ती खिला नहीं सकते हैं। लेकिन आदमी औरत ऐसे हैं कि एक दूसरे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, रिश्तेदारियों में ये खा लो वो खा लो, अरे बिस्कुट तो ले लीजिए, क्यों यार मारने के पीछे पड़े हो अतिथि सत्कार के चक्कर में, मेजबानी के चक्कर में तुम दूसरों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हो कि ये प्यार है, ये प्यार है, मोहब्बत है, घंटा है प्यार और मोहब्बत। किसी की ज़िंदगी से जान से पड़े हो या तुम उसे खिला खिला के मारना चाहते हो। तो भाइयों, निश्चित रूप से फिर मैं कहूँगा कि एलोपैथी की ज़रूरत है, या अंग्रेजी डॉक्टरों की ज़रूरत केवल 2 जगह है, या तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना हो, है ना, जो एक्सीडेंटल केस है ना। दूसरा ये है कि कोई दाढ़ में दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, तो इंजेक्शन या टेबलेट ले लो पेन किलर के रूप में। बाकी किसी भी बीमारी की जड़ को ये ख़त्म नहीं कर सकती एलोपैथी। इसीलिए कहता हूँ, इस वीडियो को हमारी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर समझ पैदा हो, संयम पैदा हो, और वो अपना उपचार खुद कर सके। थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम क्रांति। चाहे
वीडियो को शेयर ज़रूर करना, भले ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं कहता हूँ अच्छाई को आगे बढ़ाओ, लोगों का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा। यह कुदरत का नियम है, जैसे बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। सेहत चाहते हो तो सेहत से जुड़ी हुई जानकारी आगे बढ़ाओ, भगवान तुम्हारा, ऊपर वाला तुम्हारा ऑटोमेटिक भला कर देगा कम दवा से।